दिल्ली से सटे हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे में सेक्टर 109 में 6 मंजिला मकान की अचानक फर्श समेत छतें ढहती चली गई, लेकिन बिल्डिंग फिर भी खड़ी रही। आपको बता दें कि इस घटना के बाद इस अपार्टमेंट में रह रहे हर शख्स की नींद उड़ी हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में हुए हादसे ने इस वक्त रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में रह रहे हर शख्स की नींद उड़ा दी है। चिंटल पैराडाइज सोसाइटी में गुरुवार को उस वक्त भूचाल आ गया जब शाम 6:30 बजे के करीब एक के बाद एक 7 फ्लोर ढहते चले गए। सोसाइटी की डी टावर के 8वें फ्लोर पर काम चल रहा था और अचानक 7वीं में पहली मंजिल तक की छत और फर्श नीचे आ गिरे। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और मलबे में फंसे बाकी लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। 4 साल पहले ये टावर बनकर तैयार हुआ था। परिसर में 3 अन्य टावर हैं। 18 मंजिला टावर डी में 4 बेडरूम के अपार्टमेंट है। आवास परिसर प्रबंधन ने इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मरम्मत के दौरान लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। सोसाइटी के लोग बिल्डिंग की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कॉलोनी को 4 रिहायशी टावर का स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ था, लेकिन उसमें ये टावर शामिल नहीं था। पिछले साल भी 21 जुलाई को यहां एक टावर में एक फ्लैट का छज्जा गिर गया था। शिकायत भी हुई, लेकिन डेवलपर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 99 एकड़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नेशनल बिल्डिंग कोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में सेफ्टी को रेगुलेट करता है। अगर कोई बिल्डिंग इसके प्रावधानों के अनुपालन से असफल होती है तो बिल्डर को सजा का भी प्रावधान है। कुछ मामलों में अप्रूवल वापस लिया जा सकता है। किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान लेंटर कितना मजबूत है इसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए। जहां लेंटर के कंक्रीट का सैंपल टेस्ट होता है, भारत में लैब का प्रावधान है तो सही, लेकिन यह अनिवार्य रूप से सभी बिल्डर द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। कुछ बिल्डर घपलेबाजी करते हैं। अथॉरिटीज को दिखाने के लिए घपलेबाज बिल्डर ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर के लेंटर प्लास्टर या दीवार का मटेरियल टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देते हैं। इसके आधार पर सब कुछ ठीक होने की रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन बिल्डर खेल यहां करते हैं कि पैसा बचाने के लिए बाकी फ्लोर्स के लिए उतना मजबूत कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं होता है, लेकिन लैब रिपोर्ट को दिखाकर ये साबित कर देते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही मजबूत है। फ्लैट्स और बिल्डिंग की बाहरी फर्निशिंग को देखकर लगता है कि अंदर से भी मजबूत होंगे। एक बार जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है तो फिर क्वालिटी चेक के नाम पर। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि बिल्डिंग में कई खामियां थी जिसकी शिकायत कई बार बिल्डर से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शुरुआती जाँच में घटिया मटेरियल इस्तेमाल किए जाने जैसी आशंका से इनकार किया जा सकता है। फ्लैट खरीदार छत या दीवार तो नहीं तुड़वा। एक बार जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है तो फिर क्वालिटी चेक के नाम पर कोई भी फ्लैट खरीद कर छत या दीवार तो नहीं तोड़वा पाता। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि बिल्डिंग में कई खामियां थी जिसकी शिकायत कई बार बिल्डर से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शुरुआती जांच में घटिया मटेरियल इस्तेमाल किए जाने जैसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस मामले में बिल्डिंग के डेवलपर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।